जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। लॉकडाउन से ढिलाई देने के बाद अब दिहाड़ी मजदूर व अन्य लोग महाराष्ट्र होते हुए डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ सीमा के अंदर पहुंचते हैं। यहां आपको बता दें कि बिना मेडिकल जांच के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में भी मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले मजदूरों का यहां भी मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा है। हमारे संवाददाता द्वारा लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लॉकडाउन किए गए राज्यों की सीमा सील किए जाने के दावों की पोल अंतर्राज्यीय सीमा पर खुल रही है। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य बिना मेडिकल चेकअप के जाने की छूट नहीं है, फिर भी राजनांदगांव में प्रशासन राज्य की सीमा सील करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इसके चलते देश भर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या वाले राज्य महाराष्ट्र से पैदल चलकर मजदूर राज्य की सीमा में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें बिना चेकअप के आने दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से यहां तक कि मजदूरों को रोककर कोई यह भी पूछने को तैयार नहीं है कि वह किस इलाके से आ रहे हैं और इनका मेडिकल चेकअप हुआ भी है या नहीं। सबसे गंभीर बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में भी मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले मजदूरों का यहाँ भी मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा है। मजदूर छत्तीसगढ़ के मजदूर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, हैदराबाद तथा अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। केवल राजनांदगांव जिले की बात करें तो तकरीबन 15,000 के करीब मजदूर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मजदूरी के लिए जाते हैं। देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद अब वे अपने घर लौटने लगे हैं, लेकिन लौटने वाले इन मजदूरों का मेडिकल चेकअप नहीं किया जाता है। इस बात की खबर मिलते ही समाचार एक्सप्रेस की टीम छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा चांद सूरज गांव पहुंची, जहां मौके पर टीम ने पाया कि राजनांदगांव जिला प्रशासन के दावे केवल दावे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर तैनात अधिकारी सिर्फ गाड़ियों की एंट्री कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बाग नदी बाग जो कि नेशनल हाईवे पे है, उसमें दो कैंप लगाए गए हैं, एक बाहर से आने जाने वालों को रोकने के लिए और कोरोना वायरस के संक्रमण को चेक करने के लिए, तो दूसरा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली गाड़ियों के चालान के नाम और नंबर व्यवस्थित रखने के लिए है। यहां पर पहुंचते ही टीम ने जब जायजा लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहां राजनांदगांव जिले के तकरीबन 15,000 मजदूर हैं जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं और वे लगातार पैदल चलकर छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। राजनांदगांव से संवाददाता सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आप बताइए, जो हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, तेलंगाना से लोग पैदल चल के आ रहे हैं और वो दूसरे स्टेट तरफ भी जा रहे हैं, वो दूसरे स्टेट तरफ भी जा रहे हैं और महाराष्ट्र से बॉर्डर होते हुए आ रहे हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उनकी जांच की जाए और उनको सकुशल उनके घर पहुंचाया जाए और घर पहुंचा के उनको 14 दिन की घर में रखा जाए, उनके अपने अपने रूम में 14 दिन रखा जाए। ये मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, निवेदन है। छत्तीसगढ़ आने के लिए पैदल आ रहे हैं। कब से निकले? कमाने खाने के लिए गए थे, एक हफ्ता हो गया हम लोग को, तो रास्ते में खाना पीना दे रहे हैं, ऐसे बात नहीं। कौन से गांव जा रहे हैं? अभी कोपिनावा गांव जा रहे हैं हम लोग, ये मुठी का कोपिनावा भंडारपुर के पास। कब से निकले हैं? 4 दिन हो गया। कहीं जाँच हुआ क्या? जाँच तो नहीं हुई जी। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से डोंगरगढ़ तक पहुँचे, आप कहीं पर चेक नहीं किए? नहीं नहीं चेक नहीं। कहाँ वहाँ पर कहाँ काम कर रहे थे हैदराबाद में? आर सी आई सुल्तानपुर कंपाउंड। क्या बनता है वहाँ? जब यहाँ रात भर खाना पीना दे रहा हूँ, खाओ पियो, अब अन्हारे देखते हैं, व्यवस्था करते हैं, तुम लोग के सुबह भेज दिया जाएगा। कहाँ से आए हो, कहाँ से निकले हो पैदल? मोदा से। नागपुर मोदा से। हाँ, और कहाँ जा रहे हो? तो अभी जाऊंगा हम झारखंड। हाँ। हम लोग का घर पर जाएगा पाटन थाना। हाँ। केल्हार और प्लस मोहलिया, हमें ना नाम पर जाएगा सत्येंद्र प्रजापति, अपना अपना नाम दर्ज। नहीं, बस बस बस, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? रायपुर।
कहाँ रहते रायपुर में? विशाखापट्टनम जाओगे? कितने दिन से निकले हुए? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.